हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक में आज हम बनाने वाले हैं लॉकडाउन स्पेशल सब्जी। इस सब्जी को आप इंस्टेंटली बनाकर तैयार कर सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जो हमारी मनपसंद सब्जियां हैं वो भी हमें नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसे में क्यों ना हम अपनी बेसिक सब्जियों के साथ ही कुछ ऐसी सब्जी बनाकर तैयार करें जो सबको पसंद आए और जल्दी से बन भी जाए और बेसिक मसालों के साथ बने। तो चलिए शुरू करते हैं। पैन में हम सबसे पहले डालेंगे 1.5 सर्विंग स्पून ऑयल और गैस की फ्लेम को हम फुल रखेंगे। ऑयल को हम हल्का गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो गया है। ये है हमारे 3 मीडियम साइज आलू, जिसको हमने छोटे और मोटे पीसेस में काट लिया है। ये आलू हम डालेंगे ऑयल के अंदर। यहाँ पर हमने आलू को जब तक भूनना है जब तक कि आलू थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए और इन पे अच्छा सा कलर ना आ जाए। ये देखिए आलू का कितना अच्छा कलर आ गया है और ये अभी थोड़े थोड़े से ना क्रिस्प भी हो गए हैं। ये देखिए अब हम ना इनको एक नाइफ से कट कर देख लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल आराम से कट हो गए हैं। एक मिनट, हमारे आलू डन हो गए हैं। ये जो हमने आलू को भूनने का जो प्रोसेस किया है ना, इस सब्जी में ये भुने हुए आलू का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो चलिए अब हम आलू को बाहर निकाल लेते हैं। अब हम उसी पैन के अंदर डालेंगे 2 मीडियम साइज प्याज हैं, जिसको हमने मोटे मोटे पीसेस में काटा हुआ है। इसको भी हम फुल फ्लेम पर बस 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। हल्के से ना बस ये श्रिंक हो जाए और थोड़ा सा इसके ऊपर वो जो एक टेक्सचर आता है ना, जो बर्निंग टेक्सचर आता है वो आना चाहिए। ये देखिए हमारा जो प्याज है बस 1 से 2 मिनट लगा है इसको भूनने में और आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना अच्छा टेक्सचर भी आया है। इसको भी हम बाहर निकाल देंगे। हम इसी तेल में ना 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे और हल्का ब्राउन कर लेंगे। गैस की फ्लेम को अभी भी हमने फुल ही रखा है। हल्का ब्राउन हो गया है जीरा, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज टमाटर, जिसको हमने बारीक काट लिया है। इसको भी हम हल्का हल्का भून लेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी सोच रहे होंगे कि हमने प्याज दोबारा यूज क्यों किया है। ये वाला जो प्याज जो अब मैं भून रही हूँ, ये वाला प्याज यूज कर रहे हैं हम ग्रेवी के लिए। और जो प्याज मैंने पहले उसको थोड़ा सा भूना था, वो हम आलू की जैसे हमने आलू भूना था ऐसे ही हमने प्याज भूना है। वो भुने हुए प्याज का जो स्वाद आएगा ना, वो आपको बहुत बढ़िया आएगा। प्याज यहाँ पर देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। हम डालेंगे इसमें 2 हरी मिर्ची और 2 मीडियम साइज टमाटर। टमाटर डालने के बाद अब हम इस पे मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक डाल दिया। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी बिल्कुल 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये ऑप्शनल है, और 1/4 टीस्पून है हमारी हल्दी पाउडर। इन सब मसालों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और आपने देखा ये बिल्कुल बेसिक मसाले हैं, हमेशा हमारे घर पर रहते हैं। आपने देखा इस सब्जी में ना हमने प्याज टमाटर और आलू यूज किया है। प्याज टमाटर आलू ये तीनों ही बेसिक सब्जियां हैं, हमेशा हमारे घर पर रहती हैं। तो इसीलिए आज हमने कोशिश करी है कि हम इन तीनों चीजों से ही आपके लिए एक अच्छी सी सब्जी बनाकर तैयार करें। ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला भी भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 टेबलस्पून घर की फ्रेश मलाई और गैस की फ्लेम को ना अब हम स्लो कर लेंगे। मलाई डालने से इस सब्जी का टेस्ट भी अच्छा आएगा और एक इसको रिच लुक देता है। बच्चे ना ये वाली सब्जियां उंगलियां चाट कर खा जाएंगे, ये उनको बहुत टेस्टी लगने वाली है। ये देखिए मलाई में से ना घी निकलने लगा है। अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप है हमारा, आलू और प्याज जो हमने भुने थे ना ऑयल में, अब हम इसको डाल देंगे इसके अंदर। हमने जो ये वाला प्याज भुना था ना फ्रेंड, इसका जो टेस्ट है ना इस सब्जी के अंदर अल्टीमेट आता है। जो एक लिटिल बिट जो इसकी नेचुरल स्वीटनेस होती है ना प्याज की, वो बहुत बढ़िया लगती है इस सब्जी में। थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे कसूरी मेथी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये सब्जी आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है, देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है, आपको खाने में भी ना उतनी ही अच्छी लगेगी। मिर्च को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो। तो सब चीजों को हमने मिक्स कर लिया है, तो अब हमने क्या करना है, इसको कवर करेंगे, गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसको ढककर कुक करेंगे। लिड को हटाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून चीनी। डोंट वरी, ये सब्जी मीठी नहीं हो जाएगी, चीनी डालने से इसको बहुत बढ़िया टेस्ट मिलता है। अब मिक्स कर लेंगे इसको जल्दी जल्दी से और गैस की फ्लेम को भी हम फुल कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो है लॉकडाउन स्पेशल सब्जी बनकर हो गई है तैयार। आपने देखा, हमने इसको बिल्कुल जो बेसिक सब्जी होती है, बेसिक मसाले होते हैं, उसी के साथ बनाकर तैयार किया है। आप इस सब्जी को जब खाएंगे ना, तो बाहर के सब्जी के टेस्ट को आप मिस नहीं करेंगे। तो आप जरूर से बनाइएगा, कैसी लगी आप कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।